नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में बंधुत्व जाति तथा वर्ग के संबंध में। और ये चैप्टर 3 है जो बोर्ड एग्जाम है उसका, क्लास 12th का। और इसमें हम देखेंगे आरंभिक समाज के बारे में जानकारी, जो कि है लगभग 1200 वर्षों का इतिहास है। ये लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक इसमें उल्लेख किया गया है। और इसका ये पहला वीडियो है, पहला पार्ट है। इसमें हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो भारतीय इतिहास है बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है, और इसे समझने के लिए बहुत हद तक इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और बहुत सारे वैज्ञानिकों इत्यादियों का भी इस पर कार्य है, और उन्होंने बहुत सारी खोज की है। जो डिपार्टमेंट है जो कि पुरातत्व इत्यादि के बारे में जानकारी एकत्र करता है, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है। और चूँकि इतिहास जो होता है वो पुराने मिले हुए साक्ष्यों इत्यादि के आधार पर होता है, बहुत सारे साक्ष्य, चूँकि हमारा देश गुलाम था तो उस समय के बहुत सारे साक्ष्य नष्ट हो गए हैं, और उस समय पे जो प्रयास किए गए हैं विभिन्न लोगों ने, उनके बहुत सारे प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है कि जो इतिहास है उसे लिखा जा सका है और उस इतिहास को बताया जा सका है। चूँकि ये जो समय था लगभग 1200 वर्षों का, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिलालेख इत्यादि होते हैं वे सभी मिले हुए हैं राजाओं, महाराजाओं, और उस समय की सत्ता के संबंध में जनता के बारे में जानकारी बहुत कम होती थी। चूँकि जनता के बारे में जानकारी का लेख शिलालेखों इत्यादि में नहीं होता, बहुत सीमित मात्रा में उल्लेख मिलता है और सीमित मात्रा में पता चलता है कि क्या हुआ था और लोगों ने किस प्रकार का जीवन जिया था। तो जो सामाजिक जीवन है वो बहुत परिवर्तित हुआ और अनेक कारणों से परिवर्तित हुआ। चूँकि लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बाद धीरे धीरे कृषि का विस्तार किया, गांव और शहर बसाने प्रारंभ किए, और जीवन शैली उनका इस कारण से बदलने लगा कि उन्होंने कृषि बहुत बड़े स्तर पर प्रारंभ कर दिया था। लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, लोग सिंचाई सुविधा इत्यादि का प्रयोग धीरे धीरे प्रारंभ करते जा रहे थे और इस दिशा में बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने कृषि को ये समझ लिया था कि इससे बहुत अधिक उनका जीवन स्थिर हो जाएगा, और इसके कारण उनका जीवन शैली परिवर्तित हो गया। लोग वन क्षेत्र के बजाय कृषि पर ज़्यादा आधारित होने लगे थे। इसके साथ साथ जो अलग अलग तरीके के कारीगर थे, शिल्प के विशेषज्ञ थे, सोने चांदी इत्यादि के जो कार्य करते थे, साथ ही लोहे का कार्य करने वाले और अन्य प्रकार के लोग अपने कार्यों को समझ गए थे और उसमें उनकी विशेषज्ञता होती जा रही थी, और एक समूह बनता जा रहा था जिसमें यह निर्धारित होता था कि कौन लोहार रहेगा, कौन बढ़ई रहेगा। इस प्रकार से चीज़ें बढ़ती जा रही थी और सामाजिक समूह बनते जा रहे थे। लोगों को एक तरह से संगठित होने का तरीका मिल गया था और संगठन का कार्य प्रारंभ हो गया था। लोगों को ये पता था कि उन्हें क्या कार्य करना है और उस कार्य को और अधिक उन्नत तरीके से करने के लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। लोहे के उपकरण भी बनने प्रारंभ हो गए थे जिससे उनके कार्य में बहुत नवीनता आ गई थी, बहुत उच्च कोटि के कार्य होने लग गए थे। और जो बर्तन इत्यादि मिले हुए हैं उस समय के, उनसे भी ये पता चलता है कि विशेषज्ञता उन्हें हासिल हो गई थी। जो कलाकृति है, मूर्तियाँ इत्यादि हैं, वो बनाए जा रहे थे और राजाओं का भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहता था। साथ ही साथ मुहरें इत्यादि भी बनाई जाती थी जो राजाओं की मर्जी से होती थी। साथ ही बहुत दूर दूर तक व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ, तो उस व्यापार को करने के लिए भी लोगों को अपना विशेषज्ञता साबित करना पड़ता था। और इसके साथ साथ एक और था जो संपत्ति का असमान वितरण था, जिसके कारण सामाजिक विषमताएं बढ़ती जा रही थी, गरीब अमीर का फर्क आते जा रहा था। शुरुआत में तो सभी एक ही तरह का जीवन जीते थे, लेकिन जैसे ही लोगों के पास धन संपदा साधन आने लगे तो उसके साथ साथ सामाजिक विषमता बढ़ने लगी। इसके साथ साथ जो अब विभिन्न प्रकार के वर्ग थे, जो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक जो समय था, इसमें बहुत सारे वर्ण व्यवस्था हो गई, लोग वर्गों में बंटने लग गए। चार प्रकार के वर्ग, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी बंट गए थे। ब्राह्मण एक अलग वर्ग होता था, और इस प्रकार से विषमता बढ़ती जा रही थी। संपत्ति के कारण भी विषमता बढ़ रही थी, साथ ही साथ लोगों के मनोविचार और जो अलग अलग नियम बनाते गए थे समय के साथ साथ, उनसे भी विषमता बढ़ती जा रही थी। तो इन सब विषमताओं को जो समझने का तरीका है वो चूँकि बहुत सारे अभिलेख नहीं हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा अभिलेख था महाभारत। जो महाभारत की रचना हुई
ये माना जाता है कि लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर ये प्रारंभ हुई और लगभग 1000 वर्षों तक इस पर कार्य चला। देश में अलग अलग स्थानों पर आज जो देश कहा जाता है पहले उस प्रकार से नहीं था, वो बटे हुए थे। तो उस समय पे अलग अलग राज्य जो होते थे, अलग अलग महाजनपद जो थे, उन सभी में साथ ही साथ जब गुप्त वंश, मौर्य वंश, इन सभी शासकों का शासन हुआ उस समय पर अलग अलग जगहों पर इन जो स्थान थे वहाँ पर जो महारत हासिल थे, जो कि लेखक थे और अन्य प्रकार के रचनाकार थे, उन्होंने इस रचना को अपने आधार पर किया। और चूंकि सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ये रचना इसलिए माना जाता है कि जो लेखक और साहित्यकार इत्यादि होते हैं वे समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और अधिकतर जो आसपास की जो परिस्थितियाँ होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, वो अपने लेख में करते हैं। और ये जो उस समय के नियम थे और उस समय की जो स्थितियाँ थीं, जो लोगों को माना जाता था कि किस प्रकार से उनको जीवन जीना है, किस प्रकार से उनको समाज में रहना है, किस प्रकार से लोगों का दायित्व होगा, इन सभी का वर्णन लेखों में किया जाता है, कुछ कहानियाँ बनाकर और कुछ अलग प्रकार से इन्हें करके। तो ये महाभारत की रचना जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है ये जानने का कि उस समय पे व्यवस्था किस प्रकार से रही होगी, लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार से रहा होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है 1000 वर्षों तक इसकी रचना हुई। तो चूंकि 1000 वर्षों तक रचना हुई इस कारण बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी लेखनी पर कार्य किया और बहुत सारे लोगों का इस पर योगदान था। चूँकि 1000 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, जो कि 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी और 1000 वर्ष तक माना गया कि यह रचना होती रही थी, तो इस समय पे जो कि परिस्थितियां रही होंगी उसका सभी का लेख शामिल होता है। कुछ क्षेत्रीय मतभेद इनके कारण भी मिलते हैं रचनाओं में, लेकिन बहुत हद तक ये रचनाएं यहाँ पर मिल पाई हैं। यदि इन ग्रंथों को पूरा देखा जाए तो जितने भी प्रकार के कार्यकलाप वहाँ पर हुए, रीति रिवाज थे, किस प्रकार से समाज कार्य करता था, किस प्रकार से लोगों का वर्ग विभाजन था, कौन लोग कार्य करते थे और क्या क्या उनके उत्पादन थे, किस प्रकार से वो राजा के साथ व्यवहार करते थे, ये सभी चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जो कुछ कथाएं हैं जो महाभारत में लिखी गई हैं वे महाभारत के समय से पहले की भी थीं, अर्थात न सिर्फ जो ये समय है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा तक का इसमें विस्तार विवरण मिलता है, बल्कि उससे पहले का भी बहुत सारी जो कथा कहानी के रूप में मशहूर थी, जातक कथाएं इत्यादि भी थी, लोग सुनते थे पुरानी कथाएं अपने परिवारजनों से और अपने पूर्वजों से, उसे भी उन्होंने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, अपने वर्तमान रूप में जो अभी है उसमें महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, अर्थात 1,00,000 लोग बहुत बड़ी संख्या है और इनके विवरण से बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है। पहले ये माना जाता था कि जब शुरुआत हुई थी तो लगभग 10,000 लेख थे और इसके बाद फिर समय के साथ साथ जो कृष्ण ने गीता में उपदेश और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है उन सभी को जब सम्मिलित किया गया और ये लेख बन गया लगभग 1,00,000 श्लोकों का, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का विवरण है, सामाजिक आर्थिक श्रेणियों का विवरण है, परिस्थितियों का विवरण है कि क्या हुआ था, और इसे महाभारत की कहानियों के संबंध में जानते हैं, जिसमें कुछ कहानी तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या है और विस्तृत विवरण आप महाभारत को पढ़ के जान भी सकते हैं। चूँकि एक बहुत बड़ा लेख है, बहुत सारे इसमें उपदेश और अलग अलग तरीके के जीवन जीने के लोगों को तरीके बताए गए हैं, जो कि इसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से क्या हुआ था और किस प्रकार से जीवन में कार्य करना चाहिए। इसके साथ साथ एक जो बात इसमें है वो है, महाभारत की कथा में दो परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है, मुख्यतः ये चित्रण युद्ध का दिखता है, लेकिन इसमें बहुत सारे और राजनीतिक चीज़ें भी हैं, आर्थिक भी हैं, सामाजिक बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। इसमें जो सामाजिक समुदायों के बीच आहार व्यवहार का मापदंड भी तय किया गया है कि किस प्रकार से एक राजा को अन्य राजाओं और अन्य समाजों के साथ, साथ ही एक समुदाय को जो सामाजिक समुदाय है उन्हें दूसरे समुदाय के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है। महाभारत में एक बहुत बड़ी प्रगति तब हुई सन 1919 में जब इसका समालोचनात्मक संस्करण बनाया गया। चूँकि महाभारत पूरे देश में फैला हुआ था, बहुत सारी कथाएं थी, अलग अलग तरीके से ये पढ़ा जाता था, बताया जाता था, लेकिन 1919 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हुआ, जो संस्कृत के विद्वान वी एस
सुखथांकर जो थे उनके नेतृत्व में ये परियोजना प्रारंभ हुई और बहुत सारे जो विद्वान थे अलग अलग भाषाओं के अलग अलग स्थानों के जानकारी रखने वाले उन सभी को एक साथ लाकर ये प्रयास किया गया कि महाभारत के संबंध में सारी जानकारियां एक जगह एकत्र की जाएं। और इसके लिए जो विभिन्न प्रकार से अलग अलग स्थानों पर फैले थे कहानियां और अन्य प्रकार के पांडुलिपि जो थे उन्हें एकत्र किया गया, जो संस्कृत में लिखी हुई पांडुलिपियाँ थी उन्हें एकत्र किया, चूँकि संस्कृत को समझा जा सकता था पढ़ा जा सकता था तो इन सभी पांडुलिपियों को एक जगह लाया गया। जब इन पांडुलिपियों को एक जगह लाया गया तो बहुत बड़ी संख्या में थी। अब यह परेशानी हुई कि पांडुलिपियों को एक जैसे समझा कैसे जाए, तो इन जो विद्वान थे इन्होंने ये कार्य किया कि सभी पांडुलिपियों में जो कॉमन चीज़ें थी अर्थात जो श्लोक एक समान पाए गए, अर्थात जो श्लोक अलग अलग लोगों ने बनाए हुए थे अलग अलग प्रकार से बनाए हुए थे उन्हें न लेकर जो कि एक ही प्रकार के श्लोक थे एक ही प्रकार की घटनाएं थी उनको एकत्र किया गया। चूँकि घटना जो है मान लीजिए एक ही स्थान पर घटित हुई तो बहुत सारे लोग ने उनको देखा और अपने अपने प्रकार से उसे लिखा, लेकिन जो समानता होती है कि घटना किस प्रकार से हुई उसे एक ही प्रकार से जब लिखा जाता है अर्थात किसी घटना का विवरण यदि सभी पांडुलिपियों में एक जैसा है तो वो तथ्य बिल्कुल सही होगा ऐसा माना गया। और फिर सभी तथ्यों को इकट्ठा किया गया और जो ये तथ्य थे उन्हें एक जगह लिखा गया और जब इनको एक जगह रखा गया तो लगभग 13,000 पृष्ठों में ये दर्ज हुए, अर्थात समान घटना वाले जो घटनाएं थी वो 1300 पृष्ठों में लिखी गई। और इस परियोजना को करने में कुल 47 वर्ष का समय लगा, चूँकि बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को इकट्ठा किया गया, श्लोकों को इकट्ठा गया, पढ़ा गया और बहुत सारे विद्वानों ने इस पर काम किया और कुल 47 वर्ष का समय इसमें लगा, चूँकि कार्य बहुत बड़ा था। और जब 47 साल के बाद ये पूरी घटना रचना को रखा गया तो ये पाया गया कि बहुत सारे जो पांडुलिपि थे उनमें संस्कृत के अंश बहुत हद तक समान थे, अर्थात जो वर्णन किया गया जो महाभारत के बारे में लिखा गया वो लगभग सभी जगह समान थे। साथ ही कुछ जगह क्षेत्रीय प्रभेद उभर कर आए, अर्थात कुछ जो पांडुलिपियों को लिखने वाले लोग थे जो उस समय पे थे उन्होंने क्षेत्रीय आधार पर कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत परिवर्तित की थी, लेकिन इन परिवर्तित चीज़ों को भी मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिष्टों के रूप में लिखा गया है, नोट किया गया है और ये पूरी रचना को एकत्र कर समालोचनात्मक संस्करण बनाया गया है। और एक बहुत बड़ा ये इतिहास को जानने का तरीका है, इन सभी चीज़ों को एक साथ रखने पर अब पूरी रचनाएं एक साथ आ गई हैं और बहुत हद तक हमें ये ज्ञान हो पाता है कि इतिहास किस प्रकार था और ये जो आरंभिक समाज था उस समय का उस समय किस प्रकार से कार्य किया जाता रहा होगा, किस प्रकार से लोगों ने व्यवहार किया होगा और अलग अलग तरीक़ों से पालन किया होगा, जो नियम इत्यादि बनाए गए थे ज़्यादातर नियम ब्राह्मणों और अन्य लोगों के द्वारा बनाए गए थे और साथ ही साथ शासकों के द्वारा भी लोगों को बहुत सारे नियम दिए गए थे, बताए जाते थे कि क्या उनको पालन करना है, शासक का आदेश जारी होता था और लोगों को उस आदेश का पालन करते हुए उसी प्रकार से अपना कार्य करना होता था। तो ये जो था जो समालोचना संस्करण है महाभारत का उसके बारे में ये विस्तृत विवरण है। अब इसके बाद आते हैं बंधुता एवं विवाह, अर्थात जो ये पूरा कार्य किया गया महाभारत का समालोचना संस्करण की लिखा गया और साथ ही साथ सारी रचनाओं को एक साथ लाया गया। इसमें आप अपने पुस्तक में देखेंगे कि समालोचना संस्करण के पृष्ठ का अंश एक इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसे लिखा गया है और अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से इसमें मतभेद हैं वो भी हैं, वो आप देख सकते हैं आपकी पुस्तक पे है। अभी हम बात करेंगे बंधुता एवं विवाह, चूँकि एक सामाजिक स्थिति को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है परिवार की जानकारी जानना, किस प्रकार से लोगों के बीच विवाह संबंध होते थे, किस प्रकार से समाज बनता था वो पूरी जानकारी ली जाती है और ये महाभारत और अन्य रचनाओं के अध्ययन से बहुत हद तक स्पष्ट हुआ है। ज़्यादातर जो इसमें जानकारी है परिवार के बारे में जानकारी है कि किस प्रकार से परिवार होते हैं, जो मुख्य संबंध होते हैं रक्त संबंध होते हैं जो आपस में होते हैं, इसके साथ साथ जो
अन्य समाज होते हैं उनमें ये माना जाता है कि जो चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बहन होते हैं उन्हें भी परिवार माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर में रक्त संबंधों को ध्यान दिया जाता है कि जो आपस में मिल बैठकर एक साथ रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, भोजन और अन्य संसाधन मिलकर बांटते हैं, साथ ही अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, इसे परिवार कहा जाता है। और जो उसके अलावा होते हैं उन्हें संबंधी कहा जाता है, ये इसमें बताया गया है। साथ ही साथ आपस में एक साथ रहने के लिए जो कुल है, कुल जो होता है वो परिवार, जो रक्त संबंध इत्यादि होते हैं उन्हें कुल कहा जाता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ रहते हैं और बहुत सारे लोगों का समूह जो एक ही पीढ़ी के लोग रहते हैं उन्हें कुल जो होता है उसे एक ही वंश के माने जाते हैं। जो जैसे पुत्र प्रपौत्र पौत्र पिता दादा ये सभी रिश्ते होते हैं, भाई बहन, ये एक वंश में आते हैं और वंश की व्याख्या की जाती है। और उस समय पर भी वंश की व्याख्या इसी प्रकार से की जाती थी। इसमें जो है दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी, पितृवंशी और मातृवंशी। तो पितृवंशी व्यवस्था थी उसमें जो पिता होते थे वे अपने पुत्र को अपना दायित्व सौंपते थे और इस प्रकार से ये क्रम चलता था, पुत्र प्रपौत्र ये इस प्रकार से ही चलता था। तो जो ये व्यवस्था है ये उस समय पर स्पष्ट हुई, महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है, कुरुवंश का उल्लेख है जिसमें कौरव और पांडव थे। उस समय पर भूमि और सत्ता के बीच संघर्ष इस कारण से हुआ कि चूंकि पितृवंशिक सत्ता थी और फिर जो पांडु थे जो उनके भाई थे धृतराष्ट्र, उनके बीच आपस में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। धृतराष्ट्र जब शासक थे तब उनके पुत्र जो दुर्योधन थे उनको सत्ता पाने के लिए सारे प्रयास करने पड़े और उन्होंने अपने प्रयासों के तहत पांडवों के साथ युद्ध भी किया। लेकिन ये जानने वाली बात यह है कि ये जो युद्ध था इसमें पांडवों की विजय हुई, क्योंकि ये माना जाता था कि उस समय पर वास्तविक अधिकार जो है वो पांडवों का था, ये महाभारत की घटना से पता चलती है। चूँकि पांडव जो पांडु थे उनके पुत्र पांचों पांडव थे, युधिष्ठिर इत्यादि थे और उन्होंने जो वास्तव में अपने अधिकार के लिए इसकी लड़ाई की, जिसमें बताया जाता है कि ये युद्ध बहुत भयानक था, बहुत सारे लोगों का इसमें नाश हुआ। चूँकि इस समय पर पितृवंशिक सत्ता थी तो सत्ता का हस्तांतरण इसी प्रकार से होता था। कौरव और पांडव के बीच संघर्ष जो था, चूँकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने और सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। और जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए उस समय पर नागरिकों को ये लगने लगा कि पांडव अधिक शक्तिशाली हैं और साथ ही उनका प्रभाव जनता पर अधिक था, लोग उन्हें पसंद करते थे। लेकिन धृतराष्ट्र को इससे ईर्ष्या हुई और वे अपने पिता के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा कि मुझे सत्ता प्रदान करिए। और फिर इसी प्रकार से ये बातें बढ़ती गई और महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। चूँकि उस समय ये व्यवस्था थी कि यदि पिता के कोई पुत्र हैं तो उनको सत्ता दी जाएगी और यदि पुत्र नहीं हैं तो भाई इत्यादि को और बंधु बांधवों को सत्ता दी जाती थी और विशेष परिस्थितियों में ही स्त्रियों को सत्ता दी जाती थी, जैसे प्रभावती गुप्त का सत्ता में आना हुआ था, इस प्रकार से कार्य होता था। इसके साथ साथ उस समय पे जो वेद थे उनमें भी जब नियम थे उसमें ये माना जाता है कि पुत्रों को सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था। कुल और जाति इसी से आती थी, जो कुल है एक ही कुल में रहने वाले, चूँकि कौरव और पांडव एक ही कुल के थे तो जो कुल में सत्ता का हस्तांतरण था। और ये बहुत वाद विवाद का कारण इसीलिए होता था, जब सत्ता का हस्तांतरण होता था तो अधिकार के लिए संघर्ष इत्यादि की भी दृष्टांत इसमें दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो उस समय पे पितृवंशिक सत्ता थी, जो वंश पिता से पुत्र फिर पौत्र फिर प्रपौत्र ऐसे चलती थी, इसी प्रकार एक मातृवंशिक सत्ता का भी उल्लेख मिलता है कि मातृवंशिकता जो है वो परंपरा ऐसी परंपरा है जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई है, अर्थात माँ के परिवार से जुड़ी हुई है। इसके बहुत ज़्यादा लेख तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि पितृवंशिक सत्ता थी, पुत्र को अधिकार दिया जाता था। और ये जो लड़ाई होती थी स्वजनों के मध्य, चूँकि ये संपत्ति का अधिकार और अपने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई है
इसके कारण आपस में लड़ाई हुई। जो पूरी तरह से ये कहानियाँ सच ना भी हो तो भी उस समय की सत्ता का इससे अनुमान लग जाता है कि स्थितियाँ किस प्रकार थी, सामाजिक स्थिति किस प्रकार से थी। ये चूँकि जो लेख लिखते हैं लेखक और इतिहासकार वे समाज के हिस्से होते हैं, जो साहित्यकार जो होते हैं और जो समाज में जो घटनाएं होती है उसी के आधार पर कहानियां भी लिखी जाती हैं, उपन्यास कहानी इत्यादि लिखे जाते हैं और निश्चित तौर पे इस प्रकार की बातें उस समय रही होंगी तो जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। इसके साथ साथ विवाह के नियम के बारे में भी जानकारी मिलती है। विवाह कई प्रकार के होते थे, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथाएँ और बहुपति प्रथा भी देखने में आती है। जो लेख मिले हुए हैं उसमें इस प्रकार की कथा दिखती है। जो बहिर्विवाह है इसका तात्पर्य है जो ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था और इनका कन्यादान किया जाता था। तो ये जो अंतर्विवाह है उसे एक समूह के मध्य ही किया जाता है, एक समूह या एक ही गोत्र या एक कुल या एक जाति के मध्य इसे किया जाता था। बहिर्विवाह जो था उसे गोत्र के बाहर विवाह किया जाता था। साथ ही बहुपत्नी प्रथा थी, एक व्यक्ति की कई पत्नियां होती थी। साथ ही बहुपति प्रथा का भी उल्लेख है जिसमें एक ही स्त्री के अनेक पति होते थे। इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार से विवाह के नियम भी बनाए गए हैं कि किस प्रकार से पालन किया जाएगा, किस प्रकार से लोगों को अपना विवाह इत्यादि करना है। इसके लिए कई प्रकार के जो तरीके हैं मनुस्मृति में 8 प्रकार के तरीके बताए गए हैं, जिसमें पहले 4 तरीकों को अच्छा बताया गया है और बाकी 4 तरीकों को उत्तम नहीं माना गया है। क्योंकि ब्राह्मणों ने नियम बनाए हुए थे इस प्रकार के कि किस प्रकार से विवाह किया जाना है और साथ ही ये लेख जो हैं जो मिलते हैं लेख ब्राह्मणों के ही बहुत सारे मिले हुए हैं, जिसमें मनुस्मृति इत्यादि का लेख है उसमें बताया गया है जो ब्राह्मणों ने आचार संहिताएं बनाई थी उनका पालन करना होता था और इन मापदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। इसमें मनुस्मृति भी एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है जो कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। लगभग 400 वर्षों का बीच का समय है और ये पूरे बीच का समय है। तो इसमें जो मनुस्मृति में 4थी 5वीं 6वीं और 1ली विधि को बताया हुआ है, जो कन्या का दान किया जाता है पहली विधि में बहुमूल्य वस्त्रों अलंकरणों से विभूषित कर उसे विद्यज्ञ वर को दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। 4थी विधि जो है पिता वरवधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो, अर्थात ये एक तरह से अरेंज मैरिज के रूप में दिखाई देता है। 5वीं विधि जो है वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वो अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों को एवं स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है, अर्थात ये 5वें प्रकार का। इसी प्रकार 6वें प्रकार में स्त्री पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग होना। तो ये जो है ये अलग अलग विधियाँ हैं। उस समय जो प्रचलित विधियाँ थीं लगभग 8 प्रकार की विधि मुख्य तौर पर प्रचलित थी विवाह होने का, और इन प्रकार की विधियों से विवाह होते थे जिसमें जो नियम बनाए गए थे ब्राह्मणों ने और अन्य प्रकार के समाज के विचारकों ने बनाए हुए थे और उसका उल्लेख किया था, उसको उन्होंने लेखांकित किया हुआ था अपने विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में और शास्त्रों का पालन सभी को करना होता था। चूँकि इस समय पे राजाओं का शासन था तो समाज में नियम जो होते थे वे बनाए जाते थे लोगों को कैसे रहना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो स्त्री का गोत्र का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता था। तो जो स्त्री का गोत्र है वो प्रत्येक गोत्र जो है वो एक उनके जो प्रारंभ करने वाले हैं अर्थात किसी भी जो कुल है या वंश है उसमें जो गोत्र प्रारंभ होता था वैदिक ऋषि के नाम पे होता था और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों में दो नियम महत्वपूर्ण थे, एक तो कि जो स्त्री है उनका जब विवाह होता था तो उन्हें पति का गोत्र अपनाना पड़ता था, साथ ही एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते थे। ये बात जानने के लिए कुछ और विश्लेषण किया गया है और कुछ उदाहरण भी मिले हैं, जैसे सातवाहनों जो शासक थे उनके अभिलेखों में मिला हुआ है कि उन्होंने कुछ हद तक माताओं के गोत्र का प्रयोग भी किया। इनके जो नाम हैं अभिलेख के राजाओं के नाम जो हैं वो भी इसी प्रकार से मिलते हैं कि जो उनका गोत्र था उनका उन्होंने प्रयोग किया, किस प्रकार से था कि किसका पुत्र है
और किसके वंश को वो चला रहे हैं, और ये किया जाता था इसलिए कि उनको ये पता चल सके उस समय के निवासियों को, साथ ही शासकों को भी, अभिलेखों में भी जब वो दर्ज करते थे तो किसके द्वारा ये किया गया है और कहाँ से सत्ता का संचालन हो रहा है। चूँकि सत्ता का हस्तांतरण पितृवंशिकता या अन्य माध्यमों से होता था तो लोगों को पहचानने में आसानी होती थी। चूंकि आज की तरह उस समय पर टेलीविज़न और अन्य प्रकार के साधन नहीं थे, उनको इन चीज़ों को लिख के रखना पड़ता था, तो इसमें पूरा विस्तृत वो विवरण लिखते थे, पिता का नाम, माता का नाम और बहुत सारी चीज़ें वे नाम के साथ डालते थे और इसे लिखते थे कि किस वंश से आए हुए हैं। और जब कई शिलालेखों को पढ़ा जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है और इसी से ही समझा जाता है कि कौन सा राजा था, कि कब उसने शासन किया। कुछ शिलालेखों पे डेट वगैरह लिखे होते हैं, तारीखें लिखी होती हैं, तो पहचानने में आसानी हो जाती है। लेकिन जब लेख में दिनांक इत्यादि का विवरण नहीं मिलता तो जो नाम लिखे होते हैं राजा और अन्य लोग, उससे ही पहचाना जाता है कि किसके पुत्र थे और इन्होंने अनुमानित किस समय पर शासन किया होगा। और साथ ही समाज के अन्य लोग भी जो अपना लिपियों इत्यादि का प्रयोग करते हैं, साथ ही बहुत सारे धनिकों और अन्य जो साधन संपन्न लोग थे उन्होंने भी अपने सिक्के इत्यादि बनाए हुए हैं, तो उसमें भी इस प्रकार के कुछ विवरण प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो राजा हैं वे और उनके समाज जो हैं, एक और चीज़ है कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी उस समय पे, ये उल्लेख होता है। चूँकि सातवाहन राजाओं ने अपनी माताओं का नाम जो है अपने साथ उपयोग किया हुआ है, तो ये पता चलता है कि माताएं बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन जिस प्रकार आज की परिस्थितियां होती है उसी प्रकार उस समय की भी परिस्थितियां थी। लोग माताओं का जो आदेश है उसका पालन अपने आधार पर करते थे, बहुत सारे नियम बनाए गए थे, लेकिन बहुत हद तक ये निश्चित नहीं होता था कि माताओं के आदेश का पालन करेंगे। जिस प्रकार से एक उल्लेख मिलता है महाभारत में कि गांधारी जो हैं उन्होंने अपने पुत्र को दुर्योधन से विनती किया था कि युद्ध ना करें, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लेख मिलता है उसमें दिया गया है, शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा अपने सुबच्छियों का सम्मान करोगे, विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है, लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं, इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म न अर्थ, और अर्थ की प्राप्ति होती है न ही प्रसन्नता की। युद्ध में अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं, अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। लेकिन ये विनती उन्होंने अपनी माँ की नहीं मानी दुर्योधन ने, और युद्ध में युद्ध किया और हार गए। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय माताओं को बहुत सम्मान तो दिया जाता था, लेकिन साथ ही साथ महाभारत में युधिष्ठिर दुर्योधन ने अपने माता का बात नहीं माना। और सातवाहन राजाओं के बारे में दिया जाता है कि वे माताएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं पता चल पाया है कि ये माताओं का स्थान किस प्रकार से दिया जाता था। साथ ही साथ कुछ जगहों पर माताओं ने जो बहुपत्नी प्रथा इत्यादि भी होते थे, तो उस समय रानियों का नाम का विश्लेषण भी इसी प्रकार से दिया जाता था कि उनके पिता के गोत्र क्या हैं। इसका कारण अभी बहुत हद तक पता नहीं चला है कि विस्तृत इसमें क्या था समाज और किस प्रकार से इसमें कार्य होता था, गोत्र को किस प्रकार से देखा जाता था। साथ ही बहुत सारे उल्लेख जो हैं महाभारत और अन्य ग्रंथों से मिलते हैं। उस समय पर जो गोत्र थे, गौतम, वशिष्ठ इत्यादि गोत्र का भी उल्लेख मिला हुआ है, जो कि लेखों में भी मिला हुआ है। गौतम इत्यादि के जो नाम हैं उनका प्रयोग किया गया है, जो सातवाहन राजाओं हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया हुआ है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार के विवरण भी प्राप्त होते हैं। उपनिषद में भी मातृ नेम दिखाई देता है। जो उपनिषद हैं प्रारंभिक उपनिषद माने जाते हैं, आचार्यों शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, और जो लेख लिखने वालों हैं उन्होंने भी बहुत हद तक इसका प्रयोग किया है, जिनसे आसानी होती है समझने में कि किस प्रकार से कार्य किया गया रहा होगा। तो बंधुत्व जाति तथा वर्ग में आज के लिए इतने। साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करिए, कमेंट जरूर दीजिए, साथ ही साथ शेयर जरूर करिए,
और सबसे ज़रूरी है आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई चीज़ें और जानकारियां लेकर आते रहेंगे। साथ ही हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो, लगभग 3000 से अधिक वीडियो हैं जो विभिन्न विषयों के हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के हैं, तो इन्हें ज़रूर देखिए, ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो आज के लिए इतने साथियों, मैं PC वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।